तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आपका स्वागत है मेरे चैनल सोलन पाने में। मैं हूं सुनत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये टर्टल क्लीनिंग की कंटिन्यूएशन वीडियो है, उसका सेकंड पार्ट है। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने टर्टल को क्लीन करने के बाद आप उसको कौन सी शेल पॉलिश या शेल शाइन यूज करेंगे। तो आज आपको शेल पॉलिश या शाइन बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही सस्ती है और ये आपके घर पर जरूर हो। तो ये है वो शेल पॉलिश या फिर शाइनर। ये बेसिकली है क्या, ये है वैसलीन। वैसलीन आज के हर घर में मिल जाएगी आपको। ये 5 रुपए की आती है, आपको बाजार से ले सकते हैं। ये टॉयलेट्स में यूज करने के लिए काफी हद तक सेफ है और इसको आप टॉयलेट की शेल पे लगाएंगे तो उससे उतना कोई डैमेज या हार्म नहीं होगा और इससे बहुत बहुत ज्यादा अच्छी शाइन आती है। तो मैं आपको आज वीडियो में पूरा इसमें यूज करके दिखाऊंगा कि आप इस वैसलीन को यूज करके अपने टॉयलेट के शेल्स को बिल्कुल ब्रांड न्यू कैसे बना सकते हैं। अगर आपने मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया है कि आप अपने टॉयलेट के शेल को पहले क्लीन कैसे करेंगे, क्योंकि इसको यूज करने से पहले आपको अपने टॉयलेट के शेल को अच्छे से क्लीन करना होगा तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरे टर्टल्स, ये दो एडिडास हैरी टर्टल्स हैं, ये देखिए। तो बेसिकली कई लोगों के टर्टल के शेल जो होते हैं वो इस तरह के हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हद तक ड्राई हो जाते हैं और हल्के से वाइटिश लगते हैं और उनकी चमक धीरे धीरे कम हो जाती है। ये होता क्यों है, ये बेसिकली बास्किंग की वजह से होता है और टर्टल के शेल ड्राई होने की वजह से होता है। जब अगर आप अपने टर्टल को आधे घंटे से ऊपर बास्किंग में रखेंगे तो इसका शेल कुछ इस तरह का हो जाता है और सेम इसमें हो रखा है, आप देख सकते हैं। और शेडिंग के टाइम में भी कई की जगह पर टर्टल के शेल पे वाइट वाइट हो जाता है, क्योंकि जो स्किन होती है वो निकल रही होती है, तो ये उसको भी बिल्कुल साफ़ करते हैं तो आपका शेल बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मैं आपको उसे यूज़ करके दिखाता हूँ। तो इस शेल शाइनर को यूज़ करने से पहले आपको अपनी दोनों टर्टल्स को या फिर आपके पास जो भी टर्टल है उसको आपको बास्किंग के लिए रखना होगा कम से कम आधे से एक घंटे के लिए, जब उसका शेल एकदम ड्राई हो जाए। अपना कैप कोई वैसलीन लेनी है और इसकी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है आपको, इतनी सी क्वांटिटी लेनी है, मैक्सिमम इतनी क्वांटिटी लेनी है। अगर आपका शेल 3 इंच का या फिर इतना बड़ा है तो इतनी क्वांटिटी लेनी है, अगर इससे ज़्यादा है तो आप इसे थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेके इसको इवनली इसके शेल पे स्प्रेड कर देना है, बहुत ही आराम आराम से धीरे धीरे से। जब आप ये काम कर रहे होंगे आप अपने टर्टल के शेल के अपने टर्टल के मुँह से अपनी उंगली को बचा के रखिएगा, वरना आपको बाइट भी कर सकता है, क्योंकि कई बार उन्हें इरीटेशन होती है और हर टर्टल सोशलाइज नहीं होता। तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों टर्टल्स को, ये बिल्कुल वाव, ये बिल्कुल नए हो चुके हैं। इनकी आप कलरेशन देखिए, ये देखिए आप इसके शेल्स के कलर कितने ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, वाव। क्या शाइन मार रहे हैं, आप देख सकते हैं और इसके कलर्स भी बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं दोनों के। सो फ्रेंड्स, यही था मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और वो ये मेथड यूज़ करके अपने टर्टल्स के शेल को एक नई लाइफ दें और एक बिल्कुल नया बना लें। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ देखनी है टर्टल्स के ऊपर और बेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए यूट्यूब पर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जल्द बाय।